हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कुमावत लेके आया हूँ नया व्लॉग। अभी जस्ट उठा हूँ मैं, और अभी आपको टाइम बताऊँ तो मैं अभी टाइम हो रहा है 2:37 और मैं करीबन 2 बजे उठा था। और ये एक्चुअली नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, मतलब कल के दिन मैंने पूरा दिन व्लॉग ही नहीं किया, क्योंकि कारण बताता हूँ। मैं राजस्थान आया था सिर्फ 2 दिन के लिए, और मैंने कपड़ा सिर्फ लाया, 2 दिन का ही कपड़ा लेके आया, वो सब यूज हो गए थे, मतलब 2 दिन ज्यादा पहन लिया तो गंदा हो गया था। तो मैंने कल के दिन पूरा कपड़ा धोया हूँ और यहाँ पे सुखाने रखा हूँ। टॉक्स वॉक्स सब सूख भी गया। ये यहाँ पर ठंडी इतनी है तो मतलब की जाता फटाफट। और कल मेरा मूड भी खराब था, क्योंकि जो काम के लिए आया था वो काम मतलब हो रहा ही नहीं है। कब से मैं बोल रहा हूँ उनको कर दो, बट वो बोलते कि वो बीमार है। बोला चल ठीक है, एक दिन और एक्सटेंड कर लिया। तो आज है 23, और मैं 16 तारीख को घर से निकला था, 2 दिन के लिए आया था। मैं बोला कि 19-20 को आ जाऊंगा, और 23 बहुत लेट हो चुका है। और अभी मतलब मैंने उसको फोन किया था, मैं बोला डिजाइन आ गया, डिजाइन मेरे को रेडी पसंद आ गया, उन्होंने प्रिंट भी डाल दी। चाय वाय भी नहीं पिया हूँ मैं अभी सुबह से, मतलब 2 बजे उठा हूँ यार, और सुबह 5 बजे सोया हूँ। मतलब 3-4 वीडियो एडिट कर चुका हूँ, और आज रात को भी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे रुक जाऊँ, कि कल का टिकट लो या परसों का टिकट लो। मेरे को खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार एल्बम हाथ में आ जाएगी ना तो फिर समझ में आएगा। अरे अरे अरे, अभी 24 डिग्री है, बट 24 डिग्री में भी मतलब मेरा हाथ है ना पूरा ठंडा है। अरे यहाँ पे देखो पक्षी वक्षी आ रहे हैं, और सुबह सुबह इनका ही आवाज आता है, टी 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 करते रहते बस। और मुझे भूख भी लगी है, बट कल मैं गया भी था बुआ के यहाँ पे, तो उन्होंने मेरे को 5 बजे वहाँ पे बुलाया था कांकरोली में, बट काम तो हुआ ही नहीं। तो मैं बोला कि मैं वहाँ से जा रहा हूँ, बट बुआ बोल रही थी वो खाना खा ले। तो मैं बोला नहीं, मेरे को जाना है वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी फोन करके बोल देता हूँ कि आज खाना बना लेना, तो क्या आ जाऊंगा मैं। और एक और बात बताना भूल गया था कि कल मैं गया था कांकरोली, कल से 2 दिन से तो मतलब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मैं ये ग्लव्स लिया, क्योंकि मैं कांकरोली आते जाते रहता हूँ ना रात को। बीच में वो जो जंगल वाला एरिया रहता उधर बहुत हाथ मतलब सुनी हो जाते, इसके लिए मैं ग्लव्स ले लिया हूँ। और मतलब कान में हवा जाती है तो ये सादा टोपी ले लिया हूँ बस। और ये वाला जैकेट मतलब जो मेरा भाई था ललिया उसका है। और अभी बस अभी मैं जाता हूँ कांकरोली। और प्यारे लाल जो मुंबई में रहते थे हमारे शॉप पर, प्यारे लाल को मैंने फोन किया कल, मैं उनके घर के सामने था और 4 बार कॉल किया, वो फोन उठाया ही नहीं। तो अभी मैंने फिर से कॉल किया तो मैं बोला किधर हो भाई तुम, तो बोलते कि मैं कांकरोली में। बोला ठीक है आ रहा हूँ 15 मिनट में। तो ये प्यारे लाल कौन है आपको दिखाता हूँ आगे। मैंने जो आपको कहा था ना कि मैं रात को आता था जंगल एरिया से, तो जंगल एरिया नहीं है मतलब वो साइड में लेके कुछ जंगल एरिया ही बोल सकते हैं इनको, कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, मतलब सुनसान एरिया है। बट रात को यहाँ पे साथ मतलब जैसे सनसेट हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा डर लगने लगता है। बट 2 दिन पहले आया था, अकेले आया था, तो मैं तो गाड़ी भगा रहा था, बस सामने कुछ आ जाए तो मैं ठोक के चले जाऊँ। गाइस, ये है प्यारे लाल जो कि हमारे मुंबई में रहते थे साथ में, यही शख्स है जो प्यारे लाल की मैं बात कर रहा था पहले। तो ये हमें मिल गए, तो काले फोन का नहीं उठे रहा था, काले फोन का नहीं उठे रहा, मैंने कहा था ही नहीं है क्या क्या तो अरे क्या तो बीड़ी पी रहे हैं, हां बीड़ी पी रहे बोलते हां। वो एल्बम वाले से तो मिल लिया हूँ, हो गया मतलब 100% काम हो गया, अभी जस्ट जाके एल्बम लेनी है। और प्यारे लाल बोलता है कि जब गांव में आएगा, अभी मैं मतलब उसके गांव में ही जा रहा हूँ ना बुआ के इधर, तो वो बोला कि गांव में आएगा तो मेरे से मिल लेना। मैं बोला ठीक है, मगर यहाँ पे मिला था थोड़ा बहुत बाद में। उसके बाद में आपने देखा मैंने नाश्ता करने गया था, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, 2 बजे उठा था, तो मैं बोला भूख लग रही थी ज़्यादा, तो वही आलू पकौड़ा लिया और खा लिया। और अभी मैं यहाँ पर हूँ कांकरोली में, यहाँ पर जलसा के, यहाँ पर जलसा हाय करो, हाय जलसा के यहाँ पे हूँ, और जलसा अभी बत्ती कर रहे हैं, अभी जस्ट खोले। बोलते ना कि 1 day in Rajasthan 2 day in Rajasthan, अभी मैं 6-7 दिन रह गया ना, तो मैं भी और जलसा। उधर से निकलने के बाद मैं चला गया एल्बम लेने के लिए, एल्बम आ चुकी है, तो मेरी एल्बम मेरे पास आ चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि एक सेकेंड गाड़ी आ रही है, क्योंकि जो काम के लिए आया था वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने जो सोचा था वही हुआ है, और जितने में करना था उतने में हुआ है। तो मैं बहुत खुश हूँ अपने से, खुद से, क्योंकि मैंने जो सोचा था मैंने खुद से एफर्ट लेता हूँ, थोड़ा जाता हूँ उधर ऐसा करता हूँ। तो अभी मैं समझ गया हूँ क्या करना है, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, पहले ये एल्बम रखूंगा, बाद में जा रहा हूँ बुआ के घर पे, जो कि मेरे घर से है 4-5 किलोमीटर। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं मेरे को पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर है ना 2 दिन से ठंडी मतलब ठंडा ठंडा हवा चालू हो गया इधर, मतलब देख सकते हो आप ठंडा। अभी मतलब कितना 6 बज रहा है कि कितना बज रहा है मुझे पता नहीं, बट मैं कांप रहा हूँ। और मैंने जो टोपी और ग्लव्स लिए थे वो मैंने गलती कर दी नहीं लेके जाके, क्योंकि अभी मेरा हाथ पूरा ठंडा होने लग गया है। गाइस, मुझे ये ट्रिप पे ना एक अफसोस जरूर रहेगा, मैंने सनसेट का टाइम लैप्स नहीं लिया, क्योंकि सनसेट देखो कितना प्यारा होता है यहाँ पर, बट मुझे सनसेट का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हर दिन आज 6 बजे सनसेट होता है, 6 बजे किधर ना किधर तो रहता ही था। बट मैं सोच रहा हूँ सनसेट के लिए एक दिन एक्सटेंड करूँ क्या, वो अपने ऊपर है, अगर हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। रिसोर्ट बन रहा है, ये पानी 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 पानी
राइट ऑफ गॉड भैया, नीम का पत्ता है शायद से। मैं सोच रहा हूँ एक दिन एक्सटेंड कर लूँ सनसेट के लिए, थोड़ा कष्ट कर लूँ। और मैंने ना जब मुंबई से निकला था ना, मैंने सोचा था कि रोज सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट करूँ, रोज सुबह 6 बजे उठ के वर्कआउट करूंगा, मगर एक दिन भी जल्दी नहीं उठ पाया। मैंने ग्लव्स भी पहन लिया और ये ले लिया कि इसमें कान में हवा नहीं जाएगा और इसमें हाथ में हवा लगेगा नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने चेक किया कि 20 डिग्री कुछ है, और मतलब अभी 8-9 बजे तक तो और मतलब 13-14 डिग्री तक जाने वाला है। तो इसके लिए मैं सोचा कि वहां से निकल के कांकरोली जाऊंगा ना, एक बार बीच में आएगा वो रास्ता जंगल वाला तो उधर ठंड लगेगी बहुत फट्टे वाली, इसके लिए मैं बोला कि पहले आता हूँ। एल्बम भी रख दिया इधर, अभी मैं जाता हूँ बुआ के इधर। अभी टाइम हो रहा है 8:30 और अभी बहुत ठंड है, मतलब अभी 16 डिग्री हो गया, अभी 10-11 बजे तक मतलब 13-14 डिग्री तक हो जाएगा। अभी तो कुछ नहीं, खाना भी ना खा के आ गया हूँ, अभी मैं बैठ रहा हूँ एडिट पे, तो देखता हूँ अभी 3-4 वीडियो बाकी है तो कितना टाइम लगता है एडिट करने के लिए। और मैं दूध भी लेके आया हूँ साथ में, जो कि रात को मेरे को लगेगी चाय के लिए, तो दूध ले लेते भाई, दूध दूध वाले भैया। बैठा हूँ किचन के ऊपर, मतलब चाय नहीं बन रही मेरी, बेसिकली दूध लेके आया था तो दूध को गर्म करके रख रहा हूँ, बाद में क्या मैं जब एडिट करने बैठूंगा बीच बीच में जब चाय लगेगी एक एक कप बनाते रहूँगा, क्योंकि मेरे पास वो जो थर्मस था थर्मस नहीं है शायद से। एडिट करने बैठा था और अभी जस्ट एक वीडियो एडिट हुआ है, 9:30 बजे से मैं बैठा था, अभी टाइम हो रहा है 11:06 और अभी मैंने रेंडर पर रखा हो, और कितना टाइम बता रहा मुझे ये 2:25। ये रेंडर होने के लिए 2:23 तो लगेगा। अभी मैंने जस्ट मोबाइल में चेक किया कि कितना डिग्री है, 13 डिग्री है अभी, और मैंने देखा कि सुबह 7 बजे 9 डिग्री तक हो जाएगा, 13 डिग्री है, मगर मेरा किसा घर थोड़ा बंद है ना तो अंदर इतना ठंडा नहीं लग रहा है, जैसे दरवाजा खोल के बाहर जाऊंगा तो बहुत ठंडा है। लेट्स सी, थोड़ा ट्राई करते। और मेरी थोड़ी मतलब अभी फट रही है, ऐसा बाहर अंधेरा है ना पूरा, तो मैं बोला मतलब मेरा आजू बाजू कोई रहता नहीं है, तो मैं बोला कि चल अंदर चले जाते, थोड़े अंदर 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 से मतलब डर लग रहा था, इसके लिए मैं बोला चल चले जाता हूँ अंदर। घर वाले लोग भी बोलते, मम्मी बोलती क्या डर नहीं लग रहा है, मतलब किससे डरने का, मगर डरते तो नहीं है मगर तू भी अंदर से थोड़ा समझ गया ना। ये मेरा सेकंड वीडियो भी एडिट हो चुका है और अब टाइम क्या हो रहा है 1:26 AM, तो ये 2 मिनट में ये भी रेंडर हो जाएगा। 2 वीडियो का एडिट हो चुका है, 1:27 हो रहा है, तो मैं बोला कि अभी सो जाता हूँ, थोड़ा नींद आ रही है, क्योंकि अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो भी तो एडिट ही करना है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब वो तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने अलार्म तो लगा दिया है 6:45 का, तो अगर नींद खुली बाई चांस तो कुछ हुआ तो आपको ये इसके नेक्स्ट वाले फुटेज में देखने मिल जाएगा कि मैं सुबह उठा कि नहीं, नहीं तो वाह वाह। अभी मैं जा रहा हूँ सोने की तैयारी कर रहा हूँ, सोने की तैयारी क्या, ये सोफे पे मैं सो रहा हूँ, तकिया रख दिया हूँ और ये जाड़ी कंबल, और अभी ठंडी इतनी लग रही है ना मेरे को, ताप रहा हूँ बट स्टिल चलेगा। आई होप मैं सुबह 6:45 को उठूँ और बाहर जाऊँ 9 डिग्री में, थोड़ा देखूँ कैसा लगता है, कैसा लगेगा पता है, ऐसे ही लगेगा बट स्टिल चेक तो करना है मुझे, ऐसा ऐसा क्या बोल रहा हूँ कुछ पता नहीं, नींद में हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट एवरीवन।